पिछले व्लॉग में मैंने बोला था कि मैं बचपन में सबसे ज्यादा पाया जाता था रितेश के पास और प्रेम के पास। बचपन में मैं दो ही जगह पाया जाता था, या तो रितेश के घर में या तो प्रेम के यहाँ। तो ये सुन के तरुण भैया जो बैंगलोर में रहते हैं वो बोले कि थोड़ा सा इधर आना। हाँ, पूरा 60% अपना बचपन बिताया इस छत पे बिताया और तुम भूल गए वो बोलना। डांट मैंने उनसे सुनी है। एनीवेज बहुत सारी बातें करने हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑफ यू, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अक्टूबर को अपना ट्रेन था, हम लोग बहुत बड़े ट्रिप के लिए निकलने वाले थे, लेकिन क्या बताऊँ क्या क्या हुआ, बहुत सारी बातें करनी है तो नीचे जाके बात करते हैं। क्या चल रहा है ये सब तामझाम? अरे बैटरी को चार्ज में लगाया। बाबा भैया तुमने कहा था ना कि तुम यहाँ घर पे लाइट नहीं होने के कारण मंदिर में जाके पढ़ाई करते थे। जी, तो अब आपको उसकी जरूरत नहीं है। मैंने बनाया है मेरा स्पेशल इन्वेंशन, अगर आपको ये चाहिए तो कॉल करें 011-2553-2553। है क्या ये? अच्छा लाइट। हाँ। उतना सा से चीटी भी नहीं पढ़ पाएगी। अच्छा विद्यार्थी वो सब नहीं देखता, अच्छा विद्यार्थी खाली पढ़ाई क्लास करके आते हैं, उसके मल्टीवर्स मैडनेस देखते हैं। क्या मजाक है ये? कुछ नहीं। नन चाकू कहाँ से खरीद के लाए हो? कहीं से नहीं। क्या ब्रूसली का मूवी देख लिए क्या? हाँ। कौन सा मूवी देख ली? एंटर द ड्रैगन। तो तुम खरीदे वाली, कितना पैसा बर्बाद की इसमें तुम? 100% तुम इसमें बर्बाद कर दिए। हाँ। तो सीख भी तो गया। सीख भी गए तुम? हाँ, थोड़ा बहुत। तुम गामा पहलवान बनोगे? ब्रूसली तुम्हारा आदर्श हो गया ना। दो टो ब्रूसली की मूवी का नाम बताओ। उसे दुनिया को पता है। और बोलो एक तो और कोई बोलो। बिग बॉस। मतलब हर सप्ताह इसका नया चूल मचता है इसके अंदर। कभी ब्रूस ली बन जाता है, कभी जो है बॉक्सर बन जाता है, कभी पेंटर, कभी इंजीनियर बन जाता है। हर सप्ताह तुम्हें कुछ नया ना। और तुमको ब्रूस ली बनना है, तुमको विंग चंग और कुंग फू सीखना है ना। घर में तो पूरा मारता होगा सबको। नहीं, दूसरे को बोलता है मारो, मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। अरे पीछे आ जा मेरे। अरे सीख जाऊंगा। दीदी की ट्रेनिंग पता नहीं कहाँ पे 40 किलोमीटर किसी गांव वाँव में कहीं दे दी है उसकी। तो वो मुझे बोल रहे थे कि सुबह सुबह मेरे साथ चलोगे क्या? मैंने बोला एकदम नहीं, पिछले बार मैं तुम्हारे साथ गया था, रास्ता पूरा भूल गया था। सही रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं यार, तुम लोग बड़ी अकबखाती हो। और जीजा जी लोकेशन भेजे वही लाइन में तो है। अरे बड़ी बावला आदमी है। तुम अपने हो यही बाहर में पत्थर, हमको पिछले बार भी ये दिखता था। इधर गाड़ी से उतर जाएगा, डकैत आ जाएगा। और उनको तो लाइटें देखना, 200 किलोमीटर दूर लाइट देखता हूँ। नहीं लाइट दिख रहा है, अपने चमचमाता आंख चौंधिया था लाइट में खड़े हैं, उनको लाइट देखना है। आदमी अंधेरा में खड़े होकर लाइट देखता है। अभी लाइट दिख रहा होगा उनको। लाइट दिख रहा है जीजा जी। देश की शादी जैसे अच्छे से संपन्न हुई, वैसे ही श्री की शादी भी अच्छे से होगी।
घर पे ठीक बिल्कुल भी रहना था, मूड एकदम ऑफ ऑफ लग रहा था, तो मैंने सोचा कि एक बहुत अच्छी मूवी लगी है, सोचा कि वो मूवी देख लेते हैं। मूवी देखे बहुत टाइम हो गया, बहुत सारी ऐसी मूवी है जो मैंने देखा नहीं है थिएटर में और मैंने बहुत ज्यादा रिग्रेट किया, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ कि वापस को। मैंने दोनों मूवीज की रिव्यू देखी थी, तो मुझे दशहरा का रिव्यू जो था ज्यादा इंटाइसिंग लगा था, टाइम की कमी थी तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो पहले देख लेता हूँ। जॉन विक का पोस्टर लगा था, जॉन विक लगा नहीं, पोस्टर तो लगा था, लगा ही नहीं, इतना एक्साइटमेंट था जॉन विक के लिए लगा ही नहीं। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने सुना है कि इंटरवल के पहले का इंटरवल वाला जो पार्ट है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग, लेट्स सी सब वसूल होता है कि नहीं, मैं बताता हूँ। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, इट कॉजेस कैंसर। देखते ही भूख बढ़ा दे, चुनिंदा शुद्ध कश्मीरी मिर्च से बना एवरेस्ट का कश्मीरी लाल। मानना पड़ेगा बहुत बढ़िया, क्लाइमेक्स इज अमेजिंग, पिक्चर इमोशनल है, एक्शन भी है, लव स्टोरी भी है, फ्रेंडशिप भी है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैंने इंस्टा की पोस्ट पर डाला था कि मैं 5 अप्रैल को जाने वाला हूँ, मेरा टिकट जो मैंने करवा लिया था लेकिन वो आरसी में ही था, कंफर्म हुआ ही नहीं था। मैंने सोचा कि 8-10 बचे हैं तो हो जाएंगे, लेकिन वो हुआ ही नहीं, उतना का उतना ही रह गया इतने सारे दिन के बाद भी। एक महीने पहले ही टिकट करा लेते और टिकट यहाँ से जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ का मिल ही नहीं रहा था। तो जो 3 फैक्टर मुझे लगते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके कारण मैं ये हर्डल हुए हैं, वो नंबर 1 है कैमरा, नंबर 2 है ड्रोन और नंबर 3 है फाइनेंस। तो तीनों अगर अच्छे से होता तो मैं पक्का निकल जाता, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं क्योंकि ये जगह हो सकता है मैं वापस जिंदगी में कभी ना जाऊँ, और अगर जा रहा हूं तो क्यों ना अच्छे से शूट ऐसे करें कि सबको याद रखेगा कि हाँ यहाँ पे किसी ने व्लॉग बनाया। ऐसा नहीं कि जैसे मैं आईफोन से भी शूट कर सकता हूं, लेकिन वो उतना मैजिक नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड होना चाहिए चीज से। लेकिन इसमें दुखी होने की बात नहीं है क्योंकि मैं ऐसे व्लॉगिंग करने के लिए बहुत ज्यादा ललाहित हो रहा हूं। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ व्यूज चाहिए, दूसरे से एक्लेट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, मतलब मेरा मन कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मैं एडिट कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा मैं शूट कर सकूं, अच्छा रहेगा। समर का टाइम है, गर्मी प्रचंड मात्रा में होती है, अल्ट्रा में बेस्ट। अगर आपको लगता है कि आई शूड व्लॉग डेली तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन, पूरा कोशिश करूंगा मैं डेली व्लॉग करूं। उतना अच्छा डेली व्लॉग में क्या होता है ना, उतना मजा शायद आता नहीं है, मतलब कि कंटेंट उतना तो होता नहीं, एक ही दिन है आपके पास, एक ही दिन क्या क्या इंसान के साथ हो सकता है, अपनी बोरिंग जिंदगी में क्या ही हो सकता है एक दिन में। बट स्टिल आई कैन ट्राई, मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करता हूं ये पूछ के कि शुड आई व्लॉग डेली और शुड आई नॉट। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी यू नेक्स्ट वीडियो, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।